क्या बात है, आज गांव में कोई शादी वादी होने जा रही है का? का है? रायता पीने जाना है तुमका? अरे नहीं नहीं वो तो तुम इतना सज धज कर खड़ी हुई इसलिए पूछ लिया। शादी के तुरंत बाद जब रोज शाम को तुम दफ्तर से आया करते थे, हम ऐसे ही सज धज के पाउडर लिपस्टिक लाली स्नो लगा के लल्लन टॉप बन के खड़े रहते थे, तब काहे नहीं पूछे गाँव में किसी की शादी है? का इंदुमती, शादी को इतने साल बीत गए और तुम? हाँ हम शादी को इतने साल बीत गए तो का हुआ? तुम बदल गए हो कि हम बदल गए हैं? न तुम बदले हो न हम बदले हैं, तुम्हारा प्रेम बदल गया है। हम सब जानते हैं अब तुम हमसे उतना प्रेम ना ही करते जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। हे भगवान, ये हम का सुन रहे हैं? ये तो बड़े बाबू की पत्नी वाली बीमारी इंदुमती को भी लग गई। ए जी, सज धज कर एकदम प्रियंका चोपड़ा लग रही हो। हाँ भैया, उस समय तो कहते थे हम श्रीदेवी लगते हैं, आज कह रहे हम प्रियंका चोपड़ा लगते हैं। इंदुमती, तुम वो पटाखा हो जो हमारी आंगन में फूटना था। हाँ? अरे श्रीदेवी हो या प्रियंका चोपड़ा, लग तो हीरोइन रही हो ना। हाँ? अब जाओ, हमारे चाय वे चढ़ाओगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि आज चाय भी पी जाएगी और समोसे भी खाए जाएंगे। नहीं दिलाई सिनेमा मा, क्योंकि तुम हमका सिनेमा दिखाने ले जाओ। बेटा मुकुंदी लाल गुप्ता, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इसे सिनेमा का 6 से 9 वाला शो दिखाने ले जाओ, वरना ये तुमको यहाँ चारों शो दिखा देगी। का हुआ, सिनेमा की बात सुनते ही छटक गए ना? अरे शादी के तुरंत बाद हर हफ्ते हमका सिनेमा दिखाने ले जाया करते थे, हम मना करते थे तो जबरदस्ती ले जाया करते थे, लेकिन अब तुम जाओ ना, अपना काम करो, रहने दो। हमने मना कब किया है? हम तो बस जरा मुंह हाथ धो ले फिर ले चलेंगे तुम्हें सिनेमा दिखाने। ये बात, हम अभी छुकू को बिंदु की आँच छोड़ाते हैं। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ना करो मेरी जब मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या है? देखना तभी नहीं है का? सो गए? खेला देखो, खेला देख रहे हो ना? हाँ। खेला ही देख रहे हो ना? शांति से देखने दोगी तभी ना देखेंगे। शांति से ही देखो खेला, हीरो को तो देखो, हीरोइन से 100 साल से प्रेम करता है और एक तुम हो। हाय भैया, हीरो तो हीरोइन के प्रेम में बहुरा गया है और एक तुम हो। हाय भैया, ये हीरो तो हीरोइन से घनघोर प्रेम करता है और तुम हो। ऐसा है इंदुमती, किस हीरो को इस हीरोइन के साथ ऐसा घनघोर प्रेम करने के लाखों रुपए मिलते हैं?
हमको भी दिलाए दो ना लाखों रुपए, फिर देखो कैसे टमाटन प्रेम करते हैं। हाय दैया, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए? हाँ, प्रेम करने के लिए पैसा चाहिए। धीरे बोलो ना, सब सुन लेंगे। अरे सुन रहे तो सुनने दो ना, हम डरते हैं का? सबको पता चलना चाहिए कि तुम कैसे बन गए हो। ये हमसे उतना प्रेम ना ही करते हैं जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। बैठे रहो अकेले, सिनेमा देख के हम चले घर। अरे इंदुमती, इंदुमती हमारी बात तो सुनो। अरे इंदुमती हमारी बात तो सुनो। इंदुमती सब कहा है, ऐसे कोई सिनेमा से उठ के आता है का? यह हमारी जिंदगी का सिनेमा झटक गया है, तुमका सिनेमा देखने की पड़ी है। इंदुमती तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना पहले करते थे? अरे जो भी बात कहती मान तो लेते हैं, जो भी पकाती हो जैसा भी पकाती हो चुपचाप खाए तो लेते हैं। चुपचाप खाए लेते मत बस, हम बुरा खाना बनाते हैं। देखा कितने बदल गए हो तुम। जब हमारी नई नई शादी हुई थी हम खाना बनाते थे, कभी गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ता था तुम खुद ही बोलते थे, इंदुमती तुम्हारे हाथ का मिर्चा भी मिस्री लगता है। वो तो हम आज भी कहते हैं, क्योंकि आज भी हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। सच? हाँ बिल्कुल सच। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। ठीक है। हाथ का मिर्चा भी मिस्री लगता है, अब देखते हैं। पसीना पसीना काहे हो रहे हो? हाँ कुछ नहीं, पेट जल गया। का? नहीं नहीं, पेट भर गया। कछु हलवा वलवा नहीं बनाई हो का? है ना, सुते हो? काकी इंदुमती, दाल और सब्जी में तो लाल मिर्चा झोंक दिया, हरू गाजर के हलवा में भी। देखा झटक गए ना, अभी अभी तो कह रहे थे हमारे हाथ का मिर्चा तुमका मिस्री लगता है। हाँ फिर काहे लबलबा रहे हो तुम भी ना? कसम से काम भी, काम भी। अपनी अम्मा से कह दो कि हम दफ्तर जा रहे हैं। अम्मा सुन लिया कि हम कहें? चुप कर, अपने पापा से कह देना हमका सब दिखाई देता है, बतियाने की जरूरत नहीं है। पापा सुन लिया कि हम कहें? हे भगवानी कहाँ से आ गए? अरे बिटिया इंदु बिंदु, अरे कैसा बेटा, हीला पकड़ा और कैसा मार बचवा? जा 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 आए लागू खुश रहा। ये देखो ई को तो दामाद कहते हुए हमें शर्म आती है। अरे लालगंज का पहलवान लाल सिंह का दामाद ऐसा सिखिया पहलवान, कितनी बार समझाया इको हम कि थोड़ा कसरत वसरत किया कर, थोड़ा दंड वंड पेला कर, थोड़ा बादाम दूध अरे देसी घी खाया कर, पर ई वही चाय की प्याली अंग्रेजी बाबू। हमने भी तो आपसे कितनी बार कहा है कि ये कुश्ती बुश्ती लड़ना है, दंड वंड पेलना है, बादाम बादाम खाना हमारे बस का नहीं है। चलिए अब आए गए हैं हमारा आराम हराम करने, तो नहीं मतलब आराम कीजिए, हम चलते हैं दफ्तर।
राम राम। आहा, ए मुकुंदी दुलान, मुकुंदी दुलान, कहाँ हो गया है? मूली की पत्ती की तरह मुंह लटकाया हुआ कहाँ है बेटा? मौसी, हाँ, जिसका जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया हो, उसका मुंह मूली के पत्ते की तरह ही लटका रहता है, कौनू गोभी के फूल की तरह ना ही खिला रहता। मुकुंदी दुलान, मुकुंदी दुलान, इधर देखो, बातों का बादाम कहाँ है कूट रही है, कहाँ हो गया है, कुछ तो हुआ है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम खाना बनाते थे, कभी गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ता था, तुम खुद ही बोलते थे, इंदुमती तुम्हारे हाथ का मिर्चा भी मिस्री लगता है। वो तो हम आज भी कहते हैं, क्योंकि आज भी हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो ठीक है, एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते। अब तुम्हें बताओ मौसी, हम क्या करें? देखो बेटा, मुकुंदी की प्रेम की परीक्षा इस तरीके से ना है, अलग तरीके से लेनी चाहिए। कौन से तरीके से? हाँ बता रहे हैं, तुम मुकुंदी से ऐसा काम करवाओ जो करने के लिए वो हाँ ना ही कहे। मतलब ना कहे, मना कर देता है। वो काम करवाओ, अगर मुकुंदी ने वो काम करने के लिए हाँ कर दी तुम्हारे लिए, हैं? वो काम करना शुरू भी कर दिया तो समझ लो मुकुंदी अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, समझी? हाँ। देखो अब चेहरा कैसे लग रहा है, एकदम गोभी जैसा। चलो हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। अब हम इनसे ऐसा कौन सा काम कराए जिस काम के नाम से ये झटक जाए? हम बताते हैं बेटा। बाबूजी तो हमने सब सुन लिया, जाओ चुकुंदी बेटा बाहर खेलाओ। जी नाना जी। देखो बिटिया, हमारा जो दामाद है ना, वो पहलवानी, कुश्ती और कसरत, ये तीन चीजों से बहुत ही दूर भागता है, और ये तीन चीज कभी उसको पसंद कभी आए ही नहीं, तो क्यों ना उससे कुश्ती लड़वाई जाए। कुश्ती? हाँ। नहीं नहीं, चोट चपाट लग जाएगी, हमको अच्छा नहीं लगेगा बाबूजी। अरे बेटा सुनो तो सही, अरे कहा है कि हम लापतागंज में एक कुश्ती का आयोजन करवाते हैं, और उसमें ये ऐलान करवा देते हैं कि जो भी हमारा सबसे खतरनाक जबराट पहलवान भीमा यादव को हराएगा वही ये दंगल जीत जाएगा। तुम तो कहा है कि दामाद जी के आगे जाके बस जिदिया जाओ, कहो कि अगर सच्चा प्रेम करते हो तो ई चुनौती स्वीकार कर लो बस। पर इसे क्या होगा बाबूजी? अरे उसे ई होगा बिटिया कि अगर उसने ई चुनौती स्वीकार कर ली तो वो पहलवान से लड़ने पहुंच जाएगा, अगर वो पहलवान से लड़ने पहुंचा तो समझो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा में पास हो गया। वाह वाह बाबूजी, जब तुम्हारा पहलवान इनकी हड्डी पसली पीस के दंत मंजन बनाएगा तब क्या होगा? अरे रे रे बिटिया, वो हमारा चेला है, हम उनको समझा देंगे कि जैसे ही दामाद जी लड़ने आए तो वो कोई ना कोई बहाना करके लड़ने से मना कर दे। जे बात, ये सही रहेगा। तो ऐसा है बेटा, अब हम जाते हैं घर, क्योंकि कुश्ती के आयोजन की तैयारी भी करनी है, तब तक के लिए राम राम। अरे 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 संभल के, कुश्ती दामाद जी को लड़नी है तो का नहीं। जे बात बाबूजी, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मामा, आप हंस क्यों रहे हो? सुतीलाल क्या बताए, तुम्हें देखते ही हमें हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें देख के हमें मुर्गे की याद आती है। कैसे? हमारे पिताजी ना रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे। रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे? तब तो बहुत अमीर रहे होंगे तुम्हारे पिताजी। अरे नहीं नहीं, इतने भी अमीर नहीं थे हमारे पिताजी। तो फिर कैसे रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे? अरे बात ऐसी थी कि हमारे पिताजी ने अपने लिए एक मुर्गा पाल रखा था, बस जब भी वो रोटी खाते थे तो मुर्गे को अपने साथ बिठा लेते थे, तो हुआ ना कि रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे। भाई पिताजी में बात थी है। बात कर रहे होंगे ऐसे कैसे बड़े आदमी। काहू वाला लंजी, कुछ बोलेंगे भी? बाबा तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम्हारे कहने पे लाल मिर्ची वाला लेप हमने अपने गालों पे लगाया ये सोच करके कि रंग उतर जाएगा, लेकिन विद्या रानी की कसम रंग नहीं उतरा, लेकिन हमारा गाल और मिर्चा की वजह से झुलस गया। हमरे लल्लन जी के PWD वाले के कोई ऐसे वैसे का नहीं। अरे देखिए लल्लन जी,
बात ऐसी है कि अब वैसे तो हमारे नुस्खे ने अच्छे अच्छों का अच्छा अच्छा रंग उतार दिया, लेकिन क्या है कि आप ऐसे वैसे आदमी नहीं है ना, PWD वाले हैं। शायद हमारा नुस्खा इसीलिए आपके गालों का रंग नहीं उतार पाया। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास एक और नुस्खा है। अब तो तुम रह नहीं दो। हाँ तो फिर रहने दो अपने गालों पर ये रंग। भाई ऐसा लग रहा है जैसे तवे पर रोटी सिक रही है। अरे रे, सुन लीजिए ललन जी, शायद ये नुस्खा काम आ जाए। हाँ बताओ मामा जी। हाँ अब तुम कह रहे हो तो हम बता रहे हैं। ललन जी सबसे पहले लहसुन लीजिए, उसे पीस लीजिए, फिर उसमें प्याज डालिए, उसे भी पीस लीजिए, और दोनों को मिला के अपने गालों पे लगाइए और 3 घंटे कड़ी धूप में खड़े होकर ऐसे गुनगुनाइए। और जब 4th घंटे आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो आपके मुंह से खुद निकलेगा हा हा हा, क्योंकि आपके गालों का रंग उतर चुका होगा। सच कह रहे हो मामा? हाँ ठीक है, नहीं कह रहे हैं तो बता भाई हमारा क्या है। ठीक है मामा, हम कल ही सुबह ये नुस्खा आजमाएंगे। हाँ अरे नहीं भाई, पहले ऐसे गुनगुनाओ। अब निकल लो वरना फिर कहोगे कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। मामा हाँ, सच में ये नुस्खा काम करेगा? अरे हमें क्या पता, हमने कोई नुस्खा आजमाया है क्या भाई? हमने तो खड़े खड़े ऐसे नुस्खा बना दिया। अब तो ये कल सुबह पता लगेगा कि ये नुस्खा काम करेगा या नहीं। अरे बाबी, कुंती बाबी, हम सुबह से देख रहे हैं आप काफी उड़े हुए लग रहे हैं। कल तक आप लग रहे थे और आज हम लग रहे हैं। वैसे एक बात बताइए बड़े बाबू, क्या भाभी जी ने मान लिया है कि आप अब भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय किया करते थे? हाँ भाई, हमने प्रेम की परीक्षा जो दी है, बस थोड़ा सा समय गुजारा उनके साथ, थोड़ा घुमाने फिराने लगे, नई साड़ी दिला दी, चाट खिला दी, बस उन्होंने मान लिया कि अब भी हम उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय करते थे। भगवान ऐसी साध्वी, संतनी, महामहिला हर पति को पत्नी के रूप में दे। कि मुकुंदी बाबू, आपको हुआ क्या? अरे वही जो कल आपको हुआ था। बड़े बाबू ये रोग बड़ा संक्रामक है, और पत्नी को लग जाए तो आक्रामक। हम समझे नहीं। अरे हम खुद नहीं समझे तो आपको क्या समझाए। चलिए अब हम घर चलते हैं, घर जाके देखते हैं कि आज पत्नी ने कौन से महासंग्राम की तैयारी कर रखी है। हाँ हाँ ठीक, चलते हैं बड़े बाबू। चलिए। ए जी, आए क्या हुआ? अभी तक गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए काहे बैठी हो? जिसके पति का प्रेम इतने सालों के बाद झटक जाता है ना, उनकी पत्नी का मुंह ऐसे ही गुब्बारे की तरह फुला होता है, गोभी के फूल की तरह ना ही फूलता। हे भगवान, तुमसे शादी करके ना जिंदगी झटक गई है हमरी, जैसे हमरी लॉटरी लग गई है। इंदुमती, हम तुमसे 1000 बार कह चुके हैं कि हम तुमसे अभी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय किया करते थे, और आगे भी करते रहेंगे। बोलने से क्या होता है? तो क्या करें, कैसे साबित करें कि हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं? दो प्रेम की परीक्षा। लगता है बड़े बाबू की पत्नी की तरह ये भी हमारी प्रेम की परीक्षा लेना चाहती है। मतलब एक नई साड़ी, घूमना फिरना और चाट। का कहा? प्रेम की परीक्षा? प्रेम की परीक्षा ही कहा हमने। और अगर इस परीक्षा में तुम पास हो गए ना, तब हम जाके मानेंगे कि तुम हमसे उतना ही प्रेम करते हो जितना सारी के तुरंत बाद किया करते थे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन हाँ। बोलो तो सही, कैसे दे प्रेम की परीक्षा? देखो बाद में ना नहीं कहना। नहीं कहेंगे? बाद में लबलबाना नहीं। अरे नहीं लबलबाएंगे। सोच लो, बाद में दुम दबा के भागना नहीं। अरे जब तुम्हारे साथ शादी के इतने साल बाद दुम दबा कर नहीं भागे, तो एक प्रेम की परीक्षा के डर से दुम दबा कर भागेंगे का? बात तो अब सुन लो, हमारे बाबूजी का अखाड़ा में एक बहुत ही जबराट पहलवान है जिसका नाम है भीमा यादव। तो ये कि हमारे बाबूजी जो है ना, ये लापतागंज के बजंगी अखाड़े में कुश्ती का दंगल करवाने वाले हैं, और जो इस भीमा यादव को कुश्ती में हराएगा वो ही दंगल जीत जाएगा। तो ये कि हम चाहते हैं कि इस भीमा यादव को तुम दोगे चुनौती और लड़ोगे उसके साथ कुश्ती,
यही है तुम्हारी प्रेम परीक्षा जो तुमका देनी ही पड़ेगी।